लट्स लुकेट मैथड फॉर एग्रीगेट प्लानिंग इसके अंदर एक मैथड जो है वो ग्राफिकल मैथड है वो ग्राफ के ज़रिए जरा अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है मिक्स uh, स्ट्रेटी जो है उसके अंदर हमारे पास uh, उसको इम्प्लीमेंट uh, uh, करने के लिए वी हैव डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल कई स्ट्रेटीज़ बन सकती हैं कि कहीं आप वर्कफोर्स को रिड्यूस कर रहे हैं कहीं आप इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं कहीं ओवर टाइम कर रहे हैं कहीं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो वो मिक्स स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कंबिनेशन बन सकती है तो ऑप्टिमल uh, प्लान uh, जो है uh, वो uh, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उससे फाइंड करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उसके लिए देन वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल और इस किस्म के जो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं उनको यूज कर हम वी कैन कम अप विद ऑप्टिमल प्लान अब इसके अंदर एक मेथड जो है वो ग्राफिकल uh, मेथड है uh, इसके अंदर इट इज अ पॉपुलर टेक्निक क्योंकि ग्राफिकली आप शो कर रहे होते हैं, तो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड और उसको यू, यूज़ भी हम अच्छे खासा कर लेते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच है इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बट द थिंग इज कि वी विल नॉट गेट एन ऑप्टिमल प्लान विद दिस अप्रोच इसके अंदर कोई ख़ास कंप्यूटेशन वगैरह या कैलकुलेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पड़ती है बट नॉट दैट मच इसके अंदर इफ़ वी लुक एट दिस ग्राफिकल मेथड तो जो डिमांड है वो हर पीरियड की हमारे पास होनी चाहिए फोर uh, ठीक है uh, इसके अंदर कैपेसिटी फॉर रेगुलर टाइम ओवर टाइम सब कॉन्ट्रैक्टिंग हर पीरियड के अंदर उसके हमें पता होना चाहिए लेबर कॉस्ट क्या है हायरिंग फायरिंग कॉस्ट क्या है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए कंपनी uh, की पॉलिसी वर्कर्स के uh, और स्टॉक लेवल के बारे में क्या है कि वर्कर जो है से ओवर टाइम अगर वो कर रहा है uh, तो कितना परसेंट ओवर टाइम कर सकता है फॉर एग्जांपल यूजुअली करते हैं कि जी ट्वेंटी फाइव परसेंट से ऑफ रेगुलर टाइम ज्यादा नहीं ओवर टाइम होना चाहिए इट yeah, डिपेंड्स कि कंपनी की क्या पॉलिसी है ऑल्सो uh, जो इन्वेंट्री है जो स्टॉक लेवल है उसके बारे में क्या पॉलिसी है और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट प्लान्स डेवलप करते हैं और फिर उनकी कॉस्ट वगैरह जो, है, आ, उसको best, जो है उसको हम एग्जामिन करते हैं कंपेयर करते हैं और बेस्ट जो हमारा प्लान है उसको हम एडोप्ट कर लेते हैं इसके अंदर लेट सपोज दिस इज़ द डाटा और इसके अंदर ये सिक्स मंथ्स का डाटा है और उसका हमने एक प्लान डेवलप करना है जनवरी की एक्सपेक्टेड डिमांड इज 900 हंड्रेड यूनिट सेवन हंड्रेड यूनिट्स इज फॉर फेबर मार्च इज एट हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड फॉर अप्रैल फिफ्टीन हंड्रेड फॉर मे एंड एलेवन हंड्रेड फॉर जून टोटल जो हमारी सिक्सटी टू हंड्रेड हमारी टोटल डिमांड है अब इसके अंदर प्रोडक्शन डेज दिए हुए हैं फॉर ईच मंथ फॉर एग्जाम्पल जनवरी के लिए वो कह रहे हैं कि जी ट्वेंटी टू डेज अवेलेबल है जिसमें वर्किंग डेज है इसी तरह एटीन डेज आर इन फेब्ररी एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन डेज आर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इनको सम कर लें और डिमांड पर डे जो है वो बेसिकली हमने जनवरी की लट से नाइन हंड्रेड की जो हमारी डिमांड uh, है उसको ट्वेंटी टू से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास डेली डिमांड कैलकुलेट हो गई फॉर जनवरी इसी तरह हमने ये सारी की सारी डेली डिमांड फॉर ईच मंथ इसी तरह कैलकुलेट की है अनदर थिंग इज के जी अगर हम लेवल प्रोडक्शन करते हैं कि हर महीने हमने सेम प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें हमारी कैलकुलेशन क्या होगी उसके लिए डेली प्रोडक्शन जो है वो हमने डिटरमिन करनी है तो उसका क्या है कि टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड जो छः पीरियड की है दैट इज सिक्सटी टू हंड्रेड एंड टोटल डे इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन दैट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास फिफ्टी यूनिट्स पर डे की इसके अंदर कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू आई है अब इसको हम ग्राफ के अंदर अगर शो करें तो हमारी जो जनवरी की डिमांड है वो तकरीबन फोर्टी वन यूनिट्स आ रही है एंड सो ऑन ये सारी जो ये जो है ये आपकी मंथली डिमांड शो कर रही है और जून में फिर के एंड ऑफ जून वो ख़त्म हो रही है तो ये हमारी मंथली डिमांड आ गई है अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि लेवल प्रोडक्शन अगर हम करें एवरी डे सेम प्रोडक्शन हो तो फिर क्या होगा तो दैट इज 50 फिफ्टी यूनिट्स की तो दिस इज़ आर लेवल प्रोडक्शन ये हम करें तो ग्राफिकली दिस इज हाउ इट शोज के ये किस तरह होगा ये पीरियड है जहां आपकी इन्वेंट्री बिल्ड होगी और ये पीरियड है जहां आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम होगी इसको अगर इनदर ग्राफ की शेप में देखें तो उसका बेसिकली दिस इज स्ट्रेट लाइन दिस इज आर प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन वेर एज ये जो है ये कर्व जो नज़र आ रहा है ये हमारी डिमांड है और इसके अंदर हमारी जो ये पर्पल कलर है दिस इज़ एक्सेस इन्वेंट्री यहाँ डिमांड कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है जबकि ये वाली जो एरिया है दिस इज रिडक्शन इन डिमांड जो आपने डिमांड जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी उसके अंदर इन्वेंट्री कंज्यूम हुई है डिमांड की वजह से तो इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई है और एंड के अंदर ये इन्वेंट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सो दिस इज़ हाउ This level strategy can be utilized for meeting demand throughout the planning horizon.